सुने, हमारे एक दोस्त ने हमसे पूछा था कि उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, उनका नाम है हीरालाल पाटिल, जो ये सब्सक्राइबर हमारे हैं। उन्होंने ये पूछा था कि महाराष्ट्र में जो है डेथ सर्टिफिकेट कौन से डॉक्टर्स दे सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेथ सर्टिफिकेट कौन दे सकता है और वो कैसे दे सकता है। दोस्तों, डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए पहले हमें डेथ की व्याख्या समझना चाहिए। डेथ पर्सन किसे कहेंगे और डेड पर्सन को आप कैसे पहचानेंगे, मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स आज बताऊंगा। दोस्तों, थैंक यू हीरालाल पाटिल, आपने ये सवाल पूछा कि कैसा है। दोस्तों, अगर आप कुछ सवाल पूछेंगे तो उसका हमें आइडिया आता है कि आपको क्या चाहिए। तो डेड पेशेंट को समझने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि पेशेंट आपके सामने पड़ा है, आप किसी होम विजिट पे गए हैं, आपको किसी ने बुलाया है कि सर ये हमारा जो रिलेटिव है ये बहुत देर से हालचाल नहीं कर रहा है, या इसके पोस्चर नहीं है, या इसकी सांस बंद है, ऐसा वैसा वो बोलेंगे। तो यू हैव टू गो टू होम विजिट, आपको होम विजिट को जाना है और वहाँ पे देखना है। तो आप क्या देखेंगे दोस्तों? तो आप वहाँ पे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आप वहाँ के रिलेटिव्स की कंडीशन कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या रहे हैं, वो हाइपर हैं क्या, एक्टिव हैं क्या, क्या साइलेंट मोड में हैं। तो आप उस हिसाब से अपने आप को वहाँ पे मैनेज कर ले, सेटल कर ले और जाके देखिए आपके साथ क्या होना। आपके साथ स्टेथो और पीपी मशीन अगर आप ले गए तो ठीक है, और आपके साथ एक पेस्ट मशीन जो है शुगर मशीन होना है। स्टेथो, बीपी और शुगर मशीन, ये तीन चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और टेम्परेचर तो हमें हाथ लगाने पर मालूम पड़ेगा पेशेंट का। ओके, तो आप वहाँ पे गए हैं और आप वो पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट का बीपी देखा, पेशेंट का बीपी नहीं लग रहा। ओके, पेशेंट का शुगर देखा, शुगर ठीक ठाक है, तो इट नो प्रॉब्लम। अगर शुगर पेशेंट का अगर आपने शुगर देखा है और शुगर नॉर्मल रेंज के नीचे है तो आपको समझना चाहिए कि इट्स ए हाइपोग्लाइसेमिक अटैक। तो आपने वहाँ पे इमीडिएटली जो है, अगर आपका हॉस्पिटल नज़दीक है तो पेशेंट को वहाँ पर ले जाकर आपने सेटल करना है। ओके, अगर उसका बीपी भी नहीं लग रहा है और शुगर ठीक ठाक है और बीपी उसका मेजरेबल नहीं है, तो आपने उसका आप देखेंगे कि उसका रेडियल पल्स आप देखेंगे, ठीक है, पर आपने उसको देखना है कि उसके चेस्ट राइज हो रहा है क्या, उसका छाती ऊपर नीचे हो रहा है क्या, चेस्ट का मूवमेंट वहाँ पे हो रहा है क्या। उसके बाद समझ में आएगा कि चेस्ट राइज या इन रेस्पिरेशन उसका चालू है क्या, क्या पेशेंट गैस्पिंग में है, ऐसा ऐसा कर रहा है गैस्पिंग, लो शैलो ब्रीदिंग, शैलो रेस्पिरेशन है क्या, ये भी देखिए। अगर ठीक है ये भी नहीं दिख रहा है तो आप लास्ट स्टेप वहाँ पे करेंगे दोस्तों, वहाँ पे उसके आप कैरोटिड जो आर्टरी है वहां पे आप हाथ रख के देखेंगे। तो आप वहां पे देखेंगे, मेरे लग रही है क्या? करेक्ट, तो आपने ऐसे जो है उसका कैरोटिड जो है वो चेक करना है, और यहाँ पे आपको उसका कैरोटिड दिखेगा। तो आपने जो ये अपना जो एडम्स एप्पल है उसके चार पोर्ट इधर जाना है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो आपको कैरोटिड दिखेगा, अगर वहाँ पे उसकी कैरोटिड अपसेट है तो आपने उसको जो है दोस्तों आप डेड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब कैरोटिड जो आर्टरी है, कैरोटिड जो पल्स है, उसका जो आपको कितने सेकंड देखना है, इट शुड बी मिनिमम 10 सेकंड, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी शैलो कैरोटिड, शैलो पल्स चल सकती है। तो जो लास्ट पल्स अपने बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में जो लास्ट पल्स डिसअपेयर होती है दोस्तों, डेट इज अ कैरोटिड पल्स। ये जान ले आप, क्यों आपको पूछेगा क्यों, वाई एट लास्ट द कैरोटिड पल्स डिसअपेयर, बिकॉज इट इज नियर टू हार्ट। ओके, तो सबसे लास्ट में कैरोटिड पल्स वहाँ पे आपको ये होगी, डिसअपियर होगी। ठीक है, आपको ये पूछना है कि कब से पेशेंट अनकॉन्शियस है या बेहोश है या बेशुद्ध है। अगर वो बोलेंगे कि घंटा 2 घंटे हो गया है तो इट्स ओके, यू कैन डिक्लेयर फाइनली, फाइनली यू कैन डिक्लेयर दैट दिस पेशेंट इज डेड। अब दूसरी बात, अगर वो बोले कि जस्ट नाउ ये बेहोश हुए हैं, तो आप वहाँ पे अगर समझो विद इन 1 आवर के अंदर वो पेशेंट के रिलेटिव्स आपके पास आए हैं, तो आप वहाँ पे उसको CPR कार्डियक मसाज देकर उसको हॉस्पिटल को शिफ्ट करें और बाकी की प्रोसीजर उसके हॉस्पिटल में हो जाएगा। अगर वो अल्लाह चाहे या ऊपर वाला चाहे, भगवान खुदा गॉड चाहे, तो वो बच सकता है। दैट इज़ अ आगे की प्रोसीजर, दैट इज़ कॉल्ड रिवाइवल प्रोसीजर। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे एक अगले वीडियो में। तो दोस्तों, ये हुआ हाउ टू डायग्नोस अ डेड पेशेंट।
अब हु कैन गिव दैट सर्टिफिकेट एनी वन हु इज एलिजिबल हु इज कम्प्लीटेड अ ग्रेजुएशन कोर्स विद अ 5.5 ईयर वेदर इट मे बी BHMS, BMS, QEMS, MBBS, एनी दिस डॉक्टर्स कैन गिव दैट सर्टिफिकेट बट डेथ सर्टिफिकेट का आपको कब देना है दोस्तों, जब आपको उसकी उसका आपके पास एक लीगल प्रोसीजर होना चाहिए। आपके पास नर्सिंग होम है क्या? ठीक है, आपके पास नर्सिंग होम नहीं है, बट आपके पास जो वहाँ का जो सिटी का जो गवर्नमेंट सर्विलेंस होता है, जिसको हम मनपा या महानगर पालिका या कॉरपोरेशन कहते हैं, उससे आपको संबंधित रहना होता है। वहाँ पे आपको एक रजिस्टर करना पड़ता है, वहाँ से एक रजिस्टर आपको लेना पड़ता है, आप उसके ऊपर भी डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पर उसका आपके पास मेंटेनेंस होना दोस्तों, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, आपको कॉज ऑफ डेथ समझना चाहिए। इस प्रकार से जो है कोई भी डॉक्टर जो है BMS, BHMS, BUMS, MBBS उसके आगे कोई भी डॉक्टर उसको देते ही है। तो अगर आपके पास नर्सिंग होम है ठीक है, वेल एंड इनफ गुड, अगर नहीं भी है तो आप उसको मनपा से आप जो है कॉरपोरेशन से परमिशन लेकर आप कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर एंड यू हैव टू पुट वन कॉपी नियर टू यू और वन कॉपी आपको मनपा में भेजना है। आपको रेगुलर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वहाँ से आपको रेगुलर जो है उससे बातचीत करते रहना है। इस प्रकार से जो है आप उसको डेथ सर्टिफिकेट का काम कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रकार के धोखाधड़ी भी होते हैं, तो उसकी वजह से जो है डेथ सर्टिफिकेट मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, बी केयरफुल एंड कॉशियसली, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसीजर हाउ विल डायग्नोस एंड हाउ विल यू, क्या आप डेथ को कैसा डायग्नोस करेंगे, डेथ को कैसा क्लियर करेंगे, और लास्ट स्टेप इज हाउ विल यू डेथ सर्टिफिकेट। अगर हॉस्पिटल में आपके पास वेल इनफ, अगर आपके पास ECG मशीन है तो उस पर भी स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज असिस्टोल, तो उस पर भी हमें सोना होगा। होप दोस्तों आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे को पसंद आएगा, और हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।